हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं आशीष और चलिए आपके सामने एक एक करके तीन ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूं जिसके बारे में मैं इंस्टा पर जब भी देखती हूं तो ये कहीं ना कहीं से मेरे सामने पॉप अप हो जाती हैं और फिर ये खबर ऐसा लगता है यार देख ली है तो कंफर्म कर ली है तो कंफर्म कर लेती हूँ तो करने के बाद फिर आपके सामने लेकर आ जाती हूँ। इसलिए एट दिस टाइम आई एम कमिंग एंड कंफर्मिंग एंड गिविंग द इन्फॉर्मेशन विच इज कंफर्म्ड। सबसे पहले बात करना चाहती हूँ अरुणिता कांजीलाल के कुछ वीडियोज बाहर आए हैं जिसमें वो रिहर्सल्स करते हुए दिखाई दे रही हैं। रिहर्सल में सर्टनली शी इज उसके जो भी गाने हैं उसकी प्रैक्टिस अपने बैंड मेंबर्स के साथ करती है। एंड फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूं कि कुछ ही एक दो दिन पहले की ही एक स्टोरी मैंने की थी कि कैसे 19th को अरुणिता कांजीलाल का बंगाल में एक शो होना तय है और ये जो रिहर्सल्स है उसी शो में अरुणिता क्या परफॉर्म करने वाली है उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो बस मैंने कहा चली कंफर्म है तो बता देती हूँ आपको। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है पवन अरुणिता के शो को लेकर। फ्रेंड्स, किशोर कुमार साहब को याद करते हुए पवन और अरुणिता के बेहतरीन मतलब लता मंगेशकर और किशोर कुमार ये जो कॉम्बिनेशन कहा जाता है पवन अरुणिता के लिए, मेरे हिसाब से वही गाने उतने ही सुंदर तरीके से भोपाल में गाने जा रहे हैं, रविंद्र भवन में गाने के लिए जा रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग की तरफ से आयोजित किया गया एक शो है। अब फोर्थ है, किशोर कुमार साहब का जन्मदिन है। एट द सेम टाइम किशोर कुमार साहब का जो जन्म है वो खंडवा यानी कि इंदौर के बहुत पास में बना हुआ एक एक जगह है, वहां पर है। तो किशोर कुमार साहब मध्य प्रदेश के बड़े दिल के करीब है और ऐसे में जब उनकी बर्थडे आती है, उनका जन्मदिन आता है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग इन दोनों को बुला रहा है और दोनों वहां पर जाकर परफॉर्म करने वाले हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन ना, किशोर कुमार साहब की आवाज, पवनदीप की आवाज एकदम मुक्त कंठ की आवाज है। किशोर कुमार साहब ने भी कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं ली थी क्लासिकली और वहीं पर पवनदीप का जितना मुझे मालूम है एकदम पारंगत जो होते हैं ना सारे सुर साज और सारी बातें जानने के लिए, डेफिनेटली जब आप तबला बजाते हैं तो आपको त्रिताल झपताल ये सब चीजें मालूम होती है, ताल पर लिख कर आते हैं आप, लेकिन मुक्त कंठ की एकदम बिना किसी बंधन में गाई जाने वाली आवाज पवन की है। तो जब भी पवनदीप किशोर कुमार साहब के गाने गाते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो फोर्थ के इस शो का इंतजार कीजिए क्योंकि इसका इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ। अब एमपी वाली हूँ ना यार, इंदौर वाली, तो थोड़ा इमोशनली ज्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। मतलब एक तो किशोर कुमार साहब हमेशा से फेवरेट रहे हैं, फिर पवनदीप जो किशोर कुमार साहब की आवाज वाले गाने गाने वाले हैं एंड अरुणिता, है ही बड़ा सुंदर सा कॉम्बिनेशन यार। तो इस शो का इंतजार मैं कर रही हूँ, बड़े बड़े दिल थाम कर रही हूँ। और तीसरी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने के लिए आई हूँ वो है तौबा तौबा, ये बैड न्यूज का गाना है। बैड न्यूज जो फिल्म बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाने वाली है, इनफैक्ट इसका प्रेस शो भी था लेकिन मैं किसी और काम में बिजी थी इसलिए प्रेस शो में नहीं जा पा रही हूँ इसके। अब इसमें तौबा तौबा ये वाला गाना जो है ये विकी कौशल का, और मेरे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री की आज के समय में कोरियोग्राफी वाइज अगर इस गाने को मैं बिल्कुल टॉप पर चल रहा है ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, और उसमें जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है उसके हिसाब से विकी कौशल के फेस पर पवनदीप का फेस लगा दिया गया है एंड इट इज सो 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 हिलेरियस। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए ढूंढिए, आप इस रील को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इतना क्यूट बनाया गया है भाई, जिसने भी बनाया है मैं तो उसके लिए तालियां बजाना चाहूंगी। एंड सीरियसली मैं भी देखकर चौंक गई थी कि अरे ये क्या कर रखा है, बहुत प्यारा रील है। अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास कंफर्म हो गई है, मैंने कहा चलिए भाई अब समय आ गया है आपको बताने का तो बताने के लिए आ गई हूँ। और क्या, जय हिंद।